हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रोफेसर गुरप्रीत और टेंस सीरीज में मैं आज एक नई वीडियो लेके आया हूं आपके लिए। तो आइए सीखते हैं टेंस, वो भी बस 5 मिनट में। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। आगे इन तीनों टेंसेस की 4 टाइप्स होती हैं, इनडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनडेफिनेट टेंस मतलब अनिश्चित समय की बात करने वाला, कंटिन्यूअस यानी कि जो समय चल रहा है उसके बारे में बात करने वाला, परफेक्ट जो काम हो चुका है उसके बारे में बात करने वाला, और परफेक्ट कंटिन्यूअस जो हो चुका है लेकिन अभी भी जारी है उसके बारे में बात करने वाला। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए पहले देख लेते हैं रूल्स। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम देखेंगे जब भी सब्जेक्ट में आई, वी, यू या दे तो हमें लगाना होगा वॉज या वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, और जब भी सिंगुलर होगा तो हमें वॉज लगाना है और प्लूरल के साथ हमेशा ही वर आता है और उसके अलावा यू के साथ भी हमेशा वर ही आएगा, ये बात याद रखने वाली है। आई वॉज वॉचिंग ए मूवी, मैं एक मूवी देख रहा था। वी वर वॉचिंग अ मूवी, हम एक मूवी देख रहे थे। यू वर वॉचिंग अ मूवी, तुम एक मूवी देख रहे थे। दे वर वॉचिंग अ मूवी, वह एक मूवी देख रहे थे। तो इन सेंटेंसेस में आई के साथ यानी कि सिंगुलर के साथ वॉज आया है, बाकी प्लूरल के साथ और यू के साथ वर लगाया गया है। और ऐसे ही जब सब्जेक्ट में होगा ही, शी, इट या किसी का नाम, तब भी रूल वही रहेगा। ही और शी वॉज वॉचिंग अ मूवी, वो एक मूवी देख रहा था या देख रही थी। रमेश वॉज वॉचिंग अ मूवी, रमेश एक मूवी देख रहा था। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो जब भी सब्जेक्ट में होगा आई, वी, यू या दे तो वैसे ही रूल सेम है, वॉज या वर लगेगा, पर उसके बाद आ जाएगा नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी। ठीक है, तो आई सिंगुलर है, उसके साथ वाज आ गया, फिर नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट आ गया। आई वाज नॉट वॉचिंग अ मूवी, वी वर नॉट वॉचिंग अ मूवी। अब वी क्या है, प्लूरल, बहुवचन है। ठीक है, तो उसके साथ हमने लगा लिया है वर। वी वर नॉट वॉचिंग अ मूवी, यू वर नॉट वॉचिंग अ मूवी। तो यू के साथ मैंने पहले भी बताया आपको कि हमेशा वर ही आएगा। तुम एक मूवी नहीं देख रहे थे। दे वर नॉट वॉचिंग अ मूवी, वो एक मूवी नहीं देख रहे थे। और ऐसे ही जब सब्जेक्ट में होगा ही, शी, इट या किसी का नाम, तब भी रूल सेम ही रहेगा, वॉज वर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी, सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर। तो ही या शी जो है वो भी सिंगुलर है, तो उसके साथ आ गया है वॉज। ही और शी वॉज नॉट वॉचिंग ए मूवी, वो एक मूवी नहीं देख रहा था या देख रही थी। रमेश वॉज नॉट वॉचिंग ए मूवी, रमेश क्योंकि सिंगुलर है तो साथ भी वॉज ही आया है, रमेश एक मूवी नहीं देख रहा था। अब बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जब आप सब्जेक्ट में देखोगे आई, वी, यू या दे तो रूल ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन इसमें वॉज या वर्ब पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट उसके बाद आएगा, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो वॉज या वर्ब लगाने के बाद जब सब्जेक्ट लगा लिया उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और अंत में साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। वॉज आई वॉचिंग अ मूवी, तो आई सिंगुलर था तो उसके पहले अब वॉज आ गया। ठीक है, क्या मैं एक मूवी देख रहा था। वर वी वॉचिंग अ मूवी, क्योंकि वी जो है वो प्लूरल है तो वर। वर वी वॉचिंग अ मूवी, क्या हम एक मूवी देख रहे थे। वर यू वॉचिंग अ मूवी, क्या तुम एक मूवी देख रहे थे। वर दे वॉचिंग अ मूवी, क्या वो एक मूवी देख रहे थे। और ऐसे ही जब सब्जेक्ट में ही, शी या इट या किसी का नाम होगा तो हम लगाएंगे पहले वॉज फिर सब्जेक्ट, और वैसे ही सेम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और साइन ऑफ इंटरोगेशन। सो वाज ही और शी वॉचिंग ए मूवी, क्या वो एक मूवी देख रहा था या देख रही थी। वाज रमेश वॉचिंग ए मूवी, क्या रमेश एक मूवी देख रहा था। तो आज हमने सीखा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आप 2-3 बारी इस वीडियो को रिपीट कर देखोगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी टेंसेस के बारे में, और साथ साथ में अगर नोट्स बना लोगे तो आपको हमेशा के लिए टेंसेस याद हो जाएंगे। अगली वीडियो में मैं लेके आने वाला हूं आपके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस, वो भी 5 मिनट में। तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।